हेलो, मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं टेक बार। और भाई आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ सैमसंग के बारे में। और मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है इस साल सैमसंग कुछ ज्यादा ही कमाने वाला है और ये पूरा साल 2019 सैमसंग के नाम आप लिख सकते हो। ऐसा पता नहीं क्यों मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे रीजन सबसे पहला निकल कर आता है सैमसंग गैलेक्सी S10। और इस बार जो हमारे सैमसंग गैलेक्सी S10 के 3 वेरियंट हमें देखने को मिल सकते हैं। दो तो भाई बिल्कुल कन्फर्म है, एक तो हमारा सैमसंग गैलेक्सी S10 बिल्कुल नॉर्मल और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस। प्लस वाला मेरे को भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और इसके अंदर हमें कुछ ज्यादा ही अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे फ्रंट में हमें पंच होल कैमरा देखने को मिलता है जो कि डुअल होगा। सोचो यार, फ्रंट की साइड में हमें पंच होल तो मिल ही रहा है जो कि नॉच से तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही कमाल का दिख रहा है, फ्यूचरिस्टिक है, बट हमें डुअल कैमरा भी देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है कैमरे के अंदर, तो भाई अगर मैं बैक साइड के बारे में बताऊं तो हमें 3 कैमरा देखने को मिलेंगे इस बार, जिसमें से ऑब्वियसली भाई एक अपना अल्ट्रा वाइड वाला होगा जो कि आपको बहुत ही वाइड फोटोज लेगा। तो यहां से आप लगा सकते हो कितना कमाल काम करने वाला है इस साल अपना सैमसंग। तो भाई ये सारे लीक्स देखकर एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि हमें फ्रंट कैमरे में बहुत ही कमाल का पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा और बैक साइड में तो भाई हमें इंटरेस्टिंग एंगल वाले कैमरे भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे सैमसंग गैलेक्सी A7 और A9 में थे। अगर हम बात करूं डिस्प्ले के बारे में, तो भाई एक बार नॉच को रखो साइड में और सिर्फ ध्यान देते हैं बेजल्स के ऊपर। ऊपर और नीचे हमें बहुत ही पतले पतले बेजल्स देखने को मिल जाते हैं भाई, इतने तो हमारे आईफोन XS मैक्स के अंदर भी है। बट अगर मैं बात करूं कॉर्नर्स के बारे में, तो भाई हमें पता है कि जो हमारी एज डिस्प्ले होती है बिल्कुल कॉर्नर से कर्व्ड होती है, तो यहां पर हमें डिस्प्ले जब देखने को मिलेगी इतना कमाल का दिखने वाला है ये, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ डिस्प्ले ही लगेगी हमें। अगर हम बात करूं डिस्प्ले साइज के बारे में, तो हमें 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और क्योंकि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ज्यादा रहने वाला है, तो ये बहुत बड़ा फोन नहीं लगने वाला। अगर मैंने खरीदा तो भाई ऑब्वियसली मैं S10 प्लस ही खरीदने वाला हूं। और अगर आपको ये सब कुछ ज्यादा लग रहा है, तो भाई परफॉर्मेंस के मामले में तो आप सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे। इस बार हमें इसमें देखने को मिलेगा Exynos 9820 जो कि 8K तक रिकॉर्ड कर सकता है, 4K का भी डबल। तो भाई सोच लो कि परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। 4000 mAh की हमें इसमें बैटरी देखने को मिलेगी, ऊपर से इतना कमाल का प्रोसेसर। और एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है परफॉर्मेंस के मामले में, वो है LPDDR5 रैम। बहुत ही ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट रैम रहने वाली है। तो सोचो 2019 के स्टार्टिंग में ही हमें ये सब कुछ देखने को मिल गया, तो भाई पूरे का पूरे साल क्या मस्त काम करने वाला है सैमसंग, कितना सारा बिकने वाला है। और एक जो बहुत ही स्पेशल चीज होने वाली है सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 प्लस दोनों में, वो होगा हमारा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि अल्ट्रासोनिक होगा। कि मतलब वो बहुत ही फास्ट होने वाला है, एक्यूरेट होने वाला है, अपने जो हमने आज तक देखे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर उनके जैसा नहीं, खासकर OnePlus 60 जैसा नहीं, उससे तो कुछ ज्यादा ही फास्ट और बेटर होगा और एक्यूरेट होगा। और दूसरी चीज सैमसंग के कमाने के पीछे मेरे को लगता है वो है बजट कैटेगरी। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में ना, तो भाई बजट कैटेगरी हमारे यहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो भाई पूरे के पूरे साल कोई ना कोई ऐसा बंदा रहता है जिसको बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 खरीदना होता है। ये बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 गूगल पे कुछ ज्यादा ही पॉपुलर रहता है। अगर आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं कि सैमसंग जो है बहुत ही जल्दी कंपीट करने वाला है शाओमी, एसएस और रियलमी के साथ। सोचो सैमसंग इन सब के साथ कंपीट करेगा, तो भाई ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं रहता कंपटीशन का, अपना सैमसंग आराम से जीत जाएगा। सैमसंग की M सीरीज आएंगी जिसमें फोन होंगे M10, M20 और M30 जो कि एक्चुअल में बहुत ही सही पैकेज के साथ आने वाले हैं। उनमें बहुत अच्छा प्रोसेसर होगा, बहुत अच्छा कैमरा होगा, डिजाइन होगा, बैटरी होगी, बहुत ही सही सही चीजें होने वाली है। अगर मैं बात करूं हमारे M30 के बारे में, जिसके बारे में मैं एक्साइटेड हूं, हमें उसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और बहुत ही प्यारी नॉच देखने को मिलेगी। और ऐसे यार M10 और M20 करके फोन आएंगे जिसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा, शायद M30 जो होगा सबसे महंगा होगा, तो वो तो भाई फोन आने के बाद पता लगेगा। बट ये कुछ लीक्स थी जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और जिसके बारे में आपको एक्साइटेड जरूर होना चाहिए। तो भाई कंक्लूजन इस वीडियो का ये निकल कर आता है कि भाई मेरे को कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है कि अपना सैमसंग जो है फाइनली इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है और इंडिया के लिए स्पेशल फोन निकालने वाला, खासकर बजट कैटेगरी के। और ऑब्वियसली जो अपना S10 होगा उसका प्राइस बहुत सही रखेगा इंडिया में, जितना मेरे को लगता है कि भाई 70 से लेकर 80 के बीच में होगा S10 प्लस का प्राइस, उससे कम रखा यार तो काम नहीं चलेगा क्योंकि सच में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है उस फोन के अंदर। और अगर लोग एप्पल आईफोन XS मैक्स खरीद सकते हैं 1,10,000 का, तो भाई मेरे हिसाब से S10 प्लस में कोई बुराई नहीं होगी। तो यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके मेरे को जरूर बताना और सब्सक्राइब करके हमारी टेगिंग को ज्वाइन कर, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।